हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज संस्कृत का क्लास 9 का मॉर्निंग शेड्यूल वाले बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं ना, वो इस पेपर को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। और जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं, अभी ये केवल क्वेश्चन पेपर है जो आपका हुआ था आज, ठीक है, वही है। आपको इसके आंसर जो है ना बाद में मिल जाएंगे, चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर हो सका तो मैं कमेंट बॉक्स में जो इसका लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आंसर की का, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, इसे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसे काम में लेंगे। ऐसे ही पुराने पेपर भी देख सकते हैं। कोई पेपर आपको ढूंढना है ना, तो आप चैनल का नाम लिख के आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आराम से देख लीजिए। देखो पैसेज आइए, फिर यहाँ पर तेज बुखार है। मैंने आपको पत्र वगैरह प्रोवाइड किए थे, वीडियोस बहुत सारी दी थी और बहुत हेल्प मिली होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। चित्र वर्णन भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन कल मैंने प्रोवाइड नहीं की थी, ऐसे से पहले कर रखी है, लेकिन कल मैंने बहुत सारी वीडियो सबको जो दी थी जिसमें ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड करी थी, वीडियो इम्पोर्टेंट बताए थे, ठीक है। और यहाँ पर संधि विच्छेद हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको देख कर भरना है कि कौन सी भक्ति वगैरह लगेगी, ठीक है। ये तो देखो, अगर इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं तो अलग अलग ही आती है, ठीक है। धातु रूप भरना है आपको, एक वचन के साथ क्या लगाना है, द्विवचन के साथ क्या लगाना है, बहुवचन के साथ क्या लगाना है, उसको देख के आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विभक्ति है, फिर आपको इसको जोड़ के लिखना है, तोड़ना है, मतलब प्रत्यय होते हैं ना, तो वही है, जैसे दिस जमा करता दिस्ट हो जाएगा। मैं अलग से आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इसका भू जमा कत्वा होता है, ठीक है, और इसका नए जमा तुमन होता है ये वाला, ठीक है। ये आपको संस्कृत में गिनती लिखनी होगी, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है, उसके हिसाब से आपको भरना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे शुद्ध अव्यय भरना होगा, नीचे ऑप्शन दिया होगा, आपको देख कर उसमें से भरना है, ठीक है। जैसे ये अच्छा, ये MCQ दे रखे है ना, इसी में से देख के भरना है आपको, ये तो और इजी होगा। फिर ये बुक में से पैसेज वगैरह आएगी, जिसने चैप्टर पढ़ रखा है वो इजीली इसका मीनिंग निकाल लेगा और आराम से कर लेगा। एक पद में एक वर्ड में आंसर लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है और निर्देशन अनुसार जो बोला गया उसके अनुसार आंसर करना है आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एक मतलब पैसेज आती है, एक कविता में आती है, और मतलब जैसे दुआ वगैरह हो गया, और एक जो है संवाद के रूप में दी जाती है आपको पैसेज वगैरह जो है, ठीक है। वो गद्य से जुड़ी होती है, पहली पैसेज होती है। फिर ये आंसर के प्रश्न है, आंसर दे रखा आपको, प्रश्न बनाना आपको, इसी से हिंट मिल जाएगी। जैसे सही लिखा तो कस्य हो जाएगा, इस तरीके से ये नाल तो कान हो जाएगा, इस तरीके से कुछ हिंट मिल जाती है। बाकी आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए और सारी के सारे जो प्रश्न वाले शब्द हैं ना वो पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अन्वय सबसे ईजी होता है, काटने वाला होता है, जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है देखो इसके अंदर है, तो उसी शब्दों के आसपास जो वर्ड लिखा है वो आप भर दोगे। देखो अगर आप समझना चाहते हो ना, तो आप मिड टर्म पेपर लिख के एएससी स्टार्टर लिखो, वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से पेपर समझा रखा। और आप अगर आधा घंटा भी देख लोगे ना, आपको पूरा का पूरा पेपर तो नहीं, लेकिन 70 तक आराम से कर लोगे, 70% तक कर लोगे आप। फिर ये ना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उल्टी सीधी कहानी है, इसको सीधी करके लिखनी होगी आपको। अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो ही आप इसे कर पाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बताना है कि जो शब्द है इसका क्या मीनिंग है, चारों में से इस शब्द का क्या मीनिंग है, ये सारे आपको बताने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर मैचिंग आएगी, आपको बताना है कि कौन सी मैचिंग किससे जुड़ी है, कौन सा मतलब किसका है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कर सकते हैं आप।